हालेलुया, सब कुछ है मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी, परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, अपने दुखों पर विजय पाना। जिस तरह भजन संहिता अध्याय 37 के 5वें वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने यूसुफ को उसके परिवार से क्यों अलग किया। उसे गड्ढे में फेंक दिया गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे पढ़ाने का दर्शन दिया था कि उसके भाई उसे दंडवत करेंगे, यानी वह परमेश्वर के द्वारा ऊंचा किया जाने वाला था। याद रखें, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना जानता है। यूसुफ को पता था कि जो दर्शन, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके साथ की है, वह जरूर पूरी होगी। उसका पता था कि जब उसके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी तो उससे पहले उसको बहुत सारे दुखों मुसीबतों में से गुजरना पड़ेगा। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर की आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएँ हैं। उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होने से पहले आपके जीवन में बीमारी, गरीबी, परेशानी, दुख का नाकामयाबी भी आ सकती है, पर यह कठिनाइयां आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपके भावनात्मक जीवन को और अभिलाषा के जीवन को ख़त्म करने के लिए होगी। अगर यूसुफ हमेशा अपने माता पिता के साथ रहता, दुखों कठिनाइयों से न निकलता, तो वह कभी भी प्रधानमंत्री न बनता। परमेश्वर अपनी योजनाओं को उसके जीवन में पूरा न कर पाते। उसी तरह से मूसा अगर अपने माता पिता से अलग होकर फिरौन के भवन में न पहुंचाया जाता तो हो सकता था कि उसके अंदर अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने की लालसा न होती। पर मूसा के इसी दुख लालसा ने उसे तैयार करके उसके अंदर परमेश्वर के प्रति जलन को भर दिया। उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य और आग उसके दुख के कारण आई, जिस कारण वह परमेश्वर के काम को पूरा कर पाया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने दुखों बीमारियों में व्याकुल हैं तो शैतान आपकी उसी व्याकुलता को इस्तेमाल करेगा ताकि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति अविश्वास आए और आप वचन से दूर हों। पर जैसे ही वह आपको परमेश्वर के वचन पर अड़ा और खड़ा देखेगा और यह देख लेगा कि आपके दुख कठिनाइयां आपकी अगुवाई नहीं कर रहे, बल्कि एकमात्र परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, तो शैतान की पकड़ आपके जीवन से छूट जाएगी। इसीलिए आज आपको विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप विश्वास में बढ़ेंगे तो आपका ध्यान अपने दुखों की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर और उसके वचन की ओर होगा। जब आप परमेश्वर के आत्मा को अपना बॉस बनाते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो फिर आप अपने दुख, बीमारी, गरीबी और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। जब आपकी आत्मा आपके शरीर की अगुवाई करती है तो आपके जीवन में आशीष आनी शुरू होती है। फिर परमेश्वर आपको आशीष का स्रोत बनाते हैं ताकि आपके द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में भी आशीष आए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन। यह घोषणा पास्टर जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जो लोग इस वचन को पढ़ें या सुने, उनके जीवन में से हर एक दुख कठिनाई में जाए और उनकी आत्मा इनके शरीर पर अगुवाई करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों के साथ आशीषित करे। हमारा विश्वास है कि जितने भाई बहन इस वचन को पढ़े या सुन रहे हैं, वो लोग, उन लोगों की जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। आप ब्लेस हैं, फ्रूटफुल हैं, सब कुछ अच्छा है।